चलो केजरीवाल जी, 1-2-3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल, दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी, मेरा घोड़ा तैयार है और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल इसका फैसला तुम मत करो, उसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे हैं, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला, उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा, चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा, राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें, आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी एक बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते हैं, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ममता दीदी मायावती जी सुबह से शाम हो गई, इन आम को लेकर बैठे बैठे 1 रुपए के भी आम नहीं बिके, कोई आम खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। और ममता दीदी मायावती जी आपको भी पता नहीं क्या दिक्कत है, यहीं पे मेरे पास ही आम की दुकान लगाए बैठी हो। अरे कहीं दूर लगा लेती अपनी दुकान, जब मैं यहाँ पर पहले आम की दुकान लगाकर बैठ गई थी। अरे मोदी जी आ गई, ये आम खाने के बहुत शौकीन है, यही आम खरीदेंगे। मायावती जी आम क्या रेट बेच रही हो? सोनिया जी आपने बिल्कुल सही कहा था, मोदी जी आम तो खरीद रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास से नहीं मेरे पास से। मोदी जी 10 रुपए किलो आम बेच रही हूँ, ले लो। मायावती जी ये लंगड़ा आम ही तो है, लंगड़ा। हाँ मोदी जी ये लंगड़ा ही आम है, लंगड़ा आम तो खाना आपको बहुत पसंद है। माफ करना मायावती जी, लंगड़ा आम मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो दशहरी आम खाता हूँ। दशहरी आम किसके पास है? मोदी जी दशहरी आम मेरे पास है, इधर आओ इधर आओ। कोई बात नहीं है ममता दीदी, मैं यहीं पे खड़ा पड़ा हूँ, आप रेट बताओ क्या रेट बेच रही हो ये दशहरी आम? मोदी जी सुबह से ये आम भी नहीं बिका है, अब थोड़ी देर में रात होने लगेगी और मैं घर वापस आम तो लेकर नहीं जाऊंगी, जिस रेट में ये खरीद कर लाई हूँ आम उसी रेट में तुम्हें लगा देती हूँ, 8 रुपए किलो खरीद लो इन आमों को। ममता दीदी 8 रुपए किलो का आम का दाम मुझे जज नहीं रहा है, रेट थोड़े और कम करो। सोनिया जी आपके पास आम कौन सा है? मेरे पास तो दोनों तरीके के आम है, लंगड़ा भी है दशहरी भी है, जो सा भी आम लेना चाहो आप ले लो, मैं आपको दशहरी आम 5 रुपए किलो लगा दूंगी। ममता दीदी, सोनिया जी, मायावती जी, आम में बड़ा कंपटीशन है, मायावती जी ने मुझे आम 10 रुपए किलो बताए जबकि ममता दीदी ने आम 8 रुपए किलो बताए, और सोनिया जी आप 5 रुपए किलो आम बता रही हो। मोदी जी हम आपको क्या बताएं, ममता दीदी बिल्कुल आपको सही बता रही थी, इन आम को हम मंडी से 8 रुपए किलो ही खरीद कर लाए हैं, लेकिन अब शाम हो गई, इन आम को हम घर वापस बचा कर नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये सड़ जाएंगे, इसीलिए जिस रेट में भी बिके बिक जाए, इसीलिए मैंने आपको 5 रुपए किलो का रेट बता दिया जबकि 8 रुपए किलो मैं मंडी से खरीद कर लाई हूँ, 3 रुपए किलो का घाटा हो रहा है। चलो मायावती जी, सोनिया जी, ममता दीदी, तीनों लोग 1-1 किलो आम मुझे दे दो, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, सबके आम खरीदूंगा। और महिलाओं को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी अखबार में कोई अच्छी खबर छपी हुई है या यूं ही जी अखबार लेकर खड़े हुए हो? 2 घंटे हो गए तुम्हें अखबार पढ़ते पढ़ते, कम से कम अखबार पढ़ने का मौका दूसरे को भी दो या फिर जोर जोर से अखबार पढ़ो। सोनिया जी मैं तो कहता हूँ आप अपनी दुकान पर ये अखबार मंगाना ही बंद कर दो, या फिर अखबार पढ़ने का सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। लालू जी मैं किसी को अखबार पढ़ने से मना कर भी तो नहीं सकती, ये बताओ अगर आप 1 घंटा तक अखबार पढ़ोगे तो मैं क्या आपको मना कर दूंगी?
अगर मैं आपसे अखबार पढ़ने को मना करूंगी तो आप मेरी दुकान से सामान लेना ही बंद कर देंगे। ये तो अखबार पढ़ने वालों को खुद सोचना चाहिए कि मुझे कितनी देर अखबार पढ़ते हुए हो गई दूसरे को मौका दे पढ़ने का। लानू जी भड़काते बहुत हो सोनिया जी को, आग में घी डालने का काम करते हो आप। ये बताओ मुझे अखबार पढ़ते हुए कितना वक्त हुआ है? अभी 15 मिनट भी नहीं हुए आई हुई मुझे। तुम तो पूरा पूरा दिन सोनिया जी की दुकान पर बैठे रहते हो, तुम तो किसी भी वक्त अखबार पढ़ लोगे, मुझे तो काम पर जाना है। सोनिया जी मैं भी कहता हूँ कि अखबार मंगाना बंद ही कर दो अपने इस किराना दुकान पर। मोदी जी इस अखबार के सहारे तो थोड़ी बहुत बिक्री हो ही जाती है मेरी दुकान पर, नहीं तो मेरी दुकान पर सामान खरीदने के लिए कौन आता है? जो अखबार पढ़ने के लिए आता है वही थोड़ी बहुत सौदा खरीद लेता है, सामान खरीद लेता है मेरी दुकान से, और आप कह रहे हो कि मैं दुकान पर अखबार मंगाना बंद कर दूं। अब ये अखिलेश देखो कितनी देर से मेरी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन इसे आप अखबार पढ़ने के लिए दे ही नहीं रहे हो। सोनिया जी इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी दुकान पर कुछ कड़े नियम बनाना होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपकी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए आए उसकी समय सीमा निश्चित कर दी जाए, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार में 10 ही मिनट तक अखबार पढ़े। लो योगी जी भी अखबार पढ़ने के लिए आ गए, अभी मोदी जी से अखबार नहीं छूटा है। मैं तो सोच ही रहा था कि मोदी जी अखबार पढ़ते होंगे, अखबार मुझे मिलेगा ही नहीं जल्दी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सोनिया जी की दुकान ही है जहाँ पर ये अखबार गाँव में आता है, ना तो गाँव में किसी के यहाँ पर अखबार आता ही नहीं है। मोदी जी जल्दी तो आप अखबार पढ़ने के लिए दोगे नहीं, कुछ चर्चित खबरें ही बता दो क्या आई है अखबार में। योगी जी कोई खास खबर नहीं छपी है आज के अखबार में, बस अपने देश के कुछ इलाकों में बाढ़ की खबरें छपी हुई हैं। वैसे सोनिया जी ये अखबार कितने रुपए महीना आता है आपकी दुकान पर? सोच रहा हूँ एक अखबार मैं भी मंगा लिया करूँ रोज। मोदी जी आप अखबार मत मंगाना, कह देती हूँ आपसे, नहीं तो मेरी किराना दुकान पर कोई अखबार पढ़ने के लिए नहीं आएगा, सब आप ही के पास जाएंगे अखबार पढ़ने, और कोई मेरी दुकान पर आएगा नहीं तो मेरी बिक्री भी नहीं होगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।